हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितने दिनों में आप चल सकते हैं। अगर आपका टीबिया फिबुला फ्रैक्चर है तो कितने दिनों के बाद आप चलना स्टार्ट कर सकते हैं, कितने दिनों के बाद आप कितना चल सकते हैं और कितने दिनों के बाद आप कितना लोड डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे हमारे भाइयों का, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स की रिक्वायरमेंट थी और डिमांड थी कि आप हमें बताइए कि हम कितने दिनों के बाद चल सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर आज एक वीडियो बना लिया जाए। दोस्तों, जो वीडियो है वो हमारे फ्रैक्चर से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा भी टीबिया फिबुला फ्रैक्चर हुआ था और मैं कितने दिन में चल पाया हूँ, कैसे मेरे एक्सरे थे, ये सारी चीज़ें मैं आज वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, आप कमेंट करने लगते हैं तो आपके समझ में बात नहीं आती है मैं कितना आपको बताऊँगा। इसलिए आप वीडियो देख लीजिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कितने दिनों के बाद आप चल सकते हैं और मैं कितने दिनों के बाद चला था। तो मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी बातें मैं बताऊंगा आपको। अभी फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मैं खड़ा हूं इतनी ऊंचाई पे, आप देख सकते हैं ये सारी मिट्टी पड़ी है और मैं इसके ऊपर खुद ही चढ़ गया और खुद ही चढ़ के मैं इस पे खड़ा हुआ और उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से और फिर आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, जब हम डॉक्टर के पास गए थे तो लगभग हमें 1-1.5 महीने से ऊपर हो गया था। तब मुझे डॉक्टर ने बोला था कि 1-1.5 महीना हुआ था, तब मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप वॉकर के साथ चलिए, लेकिन पैर पे लोड नहीं डालना है आपको और आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो 1 महीने के बाद मैं एक्सरसाइज करने लग गया था, मतलब मैं नी बेंड करने लग गया था और पैर को ऊपर उठाने लगा था, लेकिन मुझे डॉक्टर ने मना किया था कि आप पैर को लटकाकर नहीं बैठेंगे। 1 महीने के बाद मैं वॉकर के सहारे लैट्रिन बाथरूम बाहर गली मोहल्ले जा सकता था, लेकिन लोड बिल्कुल नहीं डालना था, 0 लोड पर मैं बाहर जाता था, मतलब पैर को बिल्कुल हवा में रखकर। उसके बाद दोस्तों, जब लगभग 2.5 महीना हुआ था, तब मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप 10-20% लोड डाल सकते हैं और 20% लोड डालने के बाद आप चल सकते हैं। ठीक है, मैं एक्सरे भी आपको दिखाता हूँ, आप देख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। 2.5 महीने के समथिंग जब मैं 10-20% लोड डाल के चलने लगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं आराम से चला। बहुत सारे लोग होते हैं जो 2 महीने में चलने लगते हैं, 1.5 महीने में चलने लग जाते हैं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं होती है। जिन लोगों की सर्जरी होती है, जिन लोगों को इम्प्लांट लगाया जाता है, जैसे प्लेट या फिर रॉड लगाई जाती है, तो उनको चलने में दिक्कत नहीं आती है, वो 2 महीने के बाद चल सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को ओनली प्लास्टर होता है तो उनको थोड़ी दिक्कत आती है, तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है चलने के लिए। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो इस चीज़ को लेकर। उसके बाद फ्रेंड्स, जब लगभग 3.5 महीने हुए थे तो मैं अपनी मर्ज़ी से 100% लोड डाल के चला था। एक दिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा बिना सपोर्ट के चलता था 100% लोड डाल के। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे डॉक्टर ने वहाँ पर 60-70% लोड डालने के लिए बोला था और 3 महीने में मुझे उन्होंने 50% लोड डालने के लिए बोला था और 3.5-3.5 महीने पे 70-80% लोड डालने के लिए मुझे बोला था। लेकिन 3.5 महीने के बाद मैं 100% लोड डाल के चलने लग गया था, जैसा मैंने आपको वीडियो में भी बताया था। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है, डॉक्टर आपको वही बताते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने बोला है कि 3.5 महीने पे आपको चलना है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप 3.5 महीने पे ही चलें। अगर डॉक्टर ने आपको 50% वेट डालकर चलने के लिए बोला है, इसका मतलब है कि अगर आप 50% वेट डाल के चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, डॉक्टर बिल्कुल सेटिस्फाइड होते हैं, तभी आपको बताते हैं कि आप इतना लोड डालें। उनका कहने का मतलब होता है कि अगर आप इतना लोड डालेंगे, मतलब अगर डॉक्टर ने आपको 50% बोल दिया, तो अगर आप 50% लोड डालेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी 50% में। आप उसमें थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ, ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद दोस्तों, मैं बता दूं, जब मैं 4.25 महीने पे डॉक्टर के पास गया था तो मुझे 100% लोड डालने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था और बोला 1 हफ्ते चलिए आप, उसके बाद मुझे बताइए क्या दिक्कत आ रही है। तो जब मैंने 100% लोड डाला 4 महीने के बाद, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं आराम से चलने लगा। दोस्तों, मैं बता दूं, देखो, अगर आपको लगता है आपको पेन नहीं होता है, आपको दिक्कत नहीं हो रही है कोई भी, आपको स्वेलिंग नहीं है, तो आप थोड़ा थोड़ा लोड बढ़ाकर देख सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूं कि आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए और आप बिल्कुल सपोर्ट हटा दें और चलने लग जाएँ, फिर तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो ही जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब नॉर्मली चलने में मुझे 4.5 महीना लग गया था। उसके बाद मैंने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया था, मैंने आपको बताया था। तो जहाँ तक है, 1 महीने से और 4 महीने तक आपको दिक्कत होती है चलने में, 4 महीने, 3.5 महीने, 3 महीने में आप चलने लग जाते हैं अच्छे से, उसके बाद अपने सारे काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 4.5 महीने के बाद भी अभी रिस्क है, क्योंकि प्लेट लगी हुई है। अगर कहीं पे जैसे गड्ढे हैं या सीढ़ी चढ़ना है, इन पे अगर कहीं आप फिसल जा रहे हैं
या गड्ढे में आप थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जा रहे हैं तो फिर दिक्कत आ सकती है। इन सभी जगहों पर बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। भीड़ भाड़ में कहीं जाना होता तो बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं जब भी मार्केट जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ बाहर, तो बहुत सावधानीपूर्वक ही बाहर जाता हूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें थी आज के इस वीडियो में, कि आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आप कितने दिनों में चल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर 3 महीने आपको हो गए हैं तो आप 50% से ऊपर लोड डाल के चल सकते हैं, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ऐसा बोला तो मुझे लगता है कि आप चल सकते हैं। बाकी दोस्तों, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं फाइनली। देखो फ्रेंड्स, हर किसी के फ्रैक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, हर किसी के सर्जरी के ऊपर डिपेंड करता है, और हर किसी की रिकवरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है, हर किसी के शरीर की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो हर चीज़ें डिपेंड करती हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं 3 महीने में चलने लग गया, 3.5 महीने में तो आप भी चलने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी को जानते हैं, उसका फ्रैक्चर हुआ, वो 2 महीने में ही चलने लगा। बहुत ज़्यादा लोगों को आपने सुना होगा, कई लोग ऐसे बोल देते हैं कि मैं 2 महीने में 2.5 महीने में चलने लग गया था। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, अगर वो चलने लग गया था तो आप नहीं चल सकते, क्योंकि हो सकता उसका फ्रैक्चर बहुत हल्का हुआ हो, है ना, हो सकता उसका हल्का सा क्रेक ही हुआ हो। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कहीं ना कहीं। तो मैं आपको बता दूं फाइनली, जब भी आपको चलना है, जब आपको डॉक्टर बताता है आप तभी चलेंगे। बिना डॉक्टर के अकॉर्डिंग, बिना डॉक्टर की राय आप चलना स्टार्ट ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। मैंने देखा है, और मेरे पास बहुत मेरे भाइयों का कमेंट आया था, फ़ोन भी आया था, जिन्होंने चलना स्टार्ट किया, 2 महीने में उन्होंने चलना स्टार्ट किया, फिर उन्हें पैर में दर्द होने लगा। अभी 6-7 महीने हो गए हैं, तब भी उनको दर्द होता है। एक भाई का फ़ोन आया था कि उसने लगभग 3 महीने के बाद, 3.25 महीने पे पूरा लोड डाल दिया और वो चलने लगा। उसके प्लेट लगाई हुई थी और प्लेट उसकी बैंड हो गई, तो उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई दोस्तों। दोबारा उसकी सर्जरी करनी लगी पड़ी है और 3-4 महीने और लग जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी रिस्क होती हैं। कई बार फ्रेंड्स, जिनको रोड लगाई जाती है, तो रोड लगाने के बाद लोग 3 महीने में ही चलने लग जाते हैं, 2.5 महीने में ही चलने लग जाते हैं। एक फ्रेंड का कॉल आया था मेरे पास, तो उसने मुझे बताया कि वो 2.5 महीने में चलने लगा था लोड डाल के, उसने 70% लोड डाला और पता नहीं कैसा उसका एक स्क्रू टूट गया और उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई भी। फिर से उसे सर्जरी करानी पड़ी, फिर स्क्रू लगाया गया, उसका जो ऊपर का स्क्रू था वो टूट गया। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं दोस्तों, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही में, थोड़ी सी जल्दबाजी में ये चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा, देखो फ्रेंड्स, फ्रैक्चर हो गया है, अब आपको टाइम तो लगना ही है, 4 महीने 3 महीने 5 महीने। आप एक बार के लिए ये सोचो, अगर आपका फ्रैक्चर में कोई प्रॉब्लम हो गई, सपोज अगर आपकी जो प्लेट लगाई वो बैंड हो गई या आपका स्क्रू टूट गया, तो आप ये मानो कि 2 महीने 3 महीने आपको एक्स्ट्रा लग जाएंगे। उससे अगर आप 15 दिन वेट कर लेंगे और 15 दिन थोड़े सावधानी रखेंगे, उसके बाद आप सही चलने लग जाएंगे, तो वो आपके लिए 15 दिन बेटर है या 3 महीने बेटर हैं, है ना। तो 15 दिन आप वेट कर लो और 3 महीने का झंझट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रिस्क है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, हमारा एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, एक चीज़ मैं और बता दूँ, मैं जो भी बातें आपको बताता हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के तौर पर बताता हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो आप हमारी राय को थोड़ा इग्नोर करें। मतलब जो हम बताते हैं कि आप इतने दिनों में ऐसा कर सकते हैं, उन चीज़ों को इग्नोर करें। आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही अपना इलाज चलाएँ और आपके डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे, आप सेफ़ रहें और आप स्वस्थ हो जाएं जल्दी से। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस बस यही है कि आपको हिम्मत मिल पाए, आपको सपोर्ट मिल पाए और आप निराश ना हो, आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें और जल्दी स्वस्थ हो जाएं। सो थैंक यू फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखने के लिए, आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप हमसे कुछ बताना चाहते हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और हमारा इंस्टा आईडी दिया हुआ है और हमारा फेसबुक पेज का भी लिंक वहां पे दिया हुआ है। आप वहां जाके मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई राय है तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कोशिश कीजिएगा मुझसे कनेक्ट होने की, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।